dear friends, my name is Vibhu and आज मैं एक आपके साथ लेकिन पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ. एंड अगर आपको मेरा वीडियो इंस्ट्रक्शनल वीडियो जो भी है एक्सरसाइज के बारे में न्यूट्रिशन के बारे में अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा. एंड एट द सेम टाइम आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं विभु यूनिवर्सल एंड मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं विभु मोनी सिंह बोल के हैं. और आई हैव एन अकेडमी ऑल्सो जो यूनिवर्सल फिटनेस ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से है फेसबुक पेज में. एंड आई ऑल्सो हैव अ वेबसाइट ऑफ माई ओन विभु यूनिवर्सल फिटनेस .com. सो ये सब पेजेस और वीडियोज़ को अगर आप फॉलो करेंगे लाइक करेंगे तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलेगा. एंड ये सब मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर क्या होते हैं कि यूट्यूब में प्रॉपर जो बेनिफिशियल जो होता है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारे जो भी यूट्यूबर्स हैं अच्छी तरह से वीडियोस नहीं बनाते हैं, बट मैं समझता हूँ कि आई हैव टू एक्सप्लेन यू गाइस इन डिटेल. जैसे ए के बाद बी होता है, सी होता है, वन के बाद टू होता है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा. पहली बात स्क्वाट, जैसे कि आपको पता है कि स्क्वाट इज़ द किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइज. और स्क्वाट करने से पहले कुछ साथ में एसेसरी एक्सरसाइजेस है उसको करना बहुत ज़रूरी है. सपोज एक क्लाइंट आपके पास आता है और हम लोग ज़्यादातर जिम में क्या होता है कि लाइक यू नो उनको बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग करने के बाद वार्म अप करने के बाद स्क्वाट करने के लिए बोला जाता है, बट इसमें बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व है. आपको पता होना पड़ेगा कि स्क्वाट करने से योर नी शुड नॉट गिव इन और आपका एंकल फ्लेक्सिबिलिटी वो भी बहुत ज़रूरी है. अगर आपका एंकल का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, व्हेन यू विल स्क्वाट क्या होगा, आपका घुटना ज़्यादा आगे चला जाएगा एंड यू विल हैव नी पेन. उसके बाद सेकेंडली आपने देखा होगा कि बहुत जन को स्क्वाट करने के टाइम में उनकी नीज जो है घुटने आपस में टकराते हैं. ये इसलिए होता है या तो उनका एडेप्टर मसल्स जो मसल्स हमारे नी को लिम को अंदर की तरफ खींचता है, और अगर ये एबडक्टर मसल जो जिसका काम ये एबडक्शन, दीज आर ऑल सम एनाटॉमिकल टर्म्स जिसका हिंदी वर्जन मुझे पता नहीं है. सो दिस इज बेसिकली काइनेसियोलॉजी स्टडी ऑफ मोशन. तो क्या है ये मोशन जो होता है इसको बोलते हैं एबडक्शन और इसको बोलते हैं एडक्शन. अगर आपका ये हिप एबडक्टर्स अगर वीक है, एडक्टर्स ज़्यादा टाइट है, स्ट्रांग है, तो क्या करेगा आपका जो घुटना है अंदर की तरफ खींच लेगा. तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग स्क्वाट करते हैं, तो मैंने बहुत सारे ट्रेनर को देखा भी है, उसका मैं एक डेमो दिखाता हूँ पहले. फॉर एग्जांपल एक बंदा आया और ट्रेनर्स को भी पता नहीं है, ट्रेनर को भी पता नहीं है कि क्या है क्या हो रहा है इसमें. ज़्यादातर बोलते आपका नॉकनी है, नॉकनी आपका नी वीक है, बट उससे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको काइनेसियोलॉजी के लिए एनालाइज करना पड़ेगा. काइनेसियोलॉजी के लिए मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, जो बोन्स या तो मसल्स में जो मूवमेंट होता है जॉइंट्स में, कौन सा एक्सरसाइज करने से कौन सा मसल मूव हो रहा है, कौन सा एंगल पे जा रहा है, उसको बोलते हैं काइनेसियोलॉजी. फॉर एग्जांपल जो स्क्वाट एक्सरसाइज है आप देखेंगे, हिज नेम इज एलवी, ही इज अपकमिंग सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, वन ऑफ माय वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो एलवी तुम पहले स्क्वाट करके दिखाओ. नॉर्मली यू स्क्वाट, आपने देखा कि एलवी का जो घुटना है इट्स लाइक यू नो इट्स प्रॉपर पूरा टो की तरफ जा रहा है जो नी, बट उसमें आपको एक बात बताना चाहूँगा. अगर सपोज एलवी का अगर नी अगर अंदर की तरफ आता, सपोज एलवी स्क्वाट विद नॉक नी, इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये या तो ये एडेप्टर मसल्स टाइट है और ये ग्लूट मसल जो है ग्लूट्स जिसको हम लोग बटक भी बोलते हैं, हिप मसल भी बोलते हैं, ये अगर ज़्यादा वीक है तो क्या होगा अंदर की तरफ घुटना मुड़ जाएगा. और साथ में एंकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. एंकल फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगा तो आपका नी ज़्यादा आगे आएगा बिकॉज योर हिल विल रेज लाइक दिस, हिल रेज होगा और आपका नी आगे आएगा. तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. और आपने बहुत सारे जिम में देखा भी होगा ज़्यादातर लेडीज लाइक दे शुड हिप एबडक्शन, और मैंने बहुत कम जिम में देखा है चाहे वो बॉडी बिल्डर हो पावर लिफ्टर हो, उनको ये सब एक्सरसाइज करने में शर्म आता है, उनको लगता है कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट मैनली. लेकिन मैं आपको बता दूँ हिप जॉइंट सबके पास होता है, ग्लूट मसल सबके पास होता है, मेल हो फीमेल हो. अगर आपको अपना स्क्वाट इम्प्रूव करना है तो खाली आप स्क्वाट्स करने से आपका स्क्वाट्स इम्प्रूव नहीं होगा. स्क्वाट्स का जो मैकेनिक्स है, स्क्वाट्स करने से कैसे परफॉर्मेंस हमको बढ़ाना चाहिए उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है. और अगर आप स्क्वाट करने के टाइम अगर नी अगर अंदर आएगा यू नो क्या होने वाला है. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे इज फॉर द ग्लूट्स, और आज हम लोग ग्लूट्स के बारे में जो ग्लूटियस मैक्सिमस है जो सबसे बड़ा मसल है उसके बारे में बात नहीं करेंगे.
विल डिस्कस अबाउट द ग्लूटियस मीडियस जो मिडिल पोर्शन में होता है, मतलब मीडियम मतलब सबसे लार्ज है ग्लूटियस मैक्सिमस, उसका सेकेंड में जो नेक्स्ट बड़ा मसल है वो ग्लूटियस मीडियस है, और एक है मसल जो TFL बोलते हैं उसको, टेंसर फैसिल आते हैं, यहाँ पे होता है सब पेल्विस से स्टार्ट है एंड यहाँ पे इंसर्ट हुआ है जो हम लोग का फीमर है, यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो इसके नीचे डीप जो मसल है ग्लूटियस मिनिमस जो सबसे छोटा मसल है, सॉरी ग्लूटियस मैक्सिमस के बाद सबसे छोटा मसल है वो डीप इनसाइड। सो इन सब मसल्स का जो काम है बेसिकली हिप को एबडक्ट करना, ओके हिप एबडक्शन करना, हिप को मेडियल रोटेशन करना, ओके और साथ में हिप फ्लेक्शन करना, इसको बोलते हैं हिप फ्लेक्शन, यू कैन सी दैट हिप फ्लेक्शन करना, ओके और इसको भी बोलते हैं हिप फ्लेक्शन, ओके। और ये सब मसल्स क्या करते हैं, अगर वीक है तो मैंने जैसे बताया कि नी को स्टेबलाइज करके रखता है, नी आपका अंदर घुसेगा नहीं, और इन सब मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब मसल्स सारे के सारे ज़्यादातर ग्लूटियस मिनिमस और जो मैक्सिम मीडियस है ये पेल्विक बोन से स्टार्ट हुआ है एंड इंसर्ट हुआ है आपका ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, यहाँ पे जो हिप जॉइंट है वहाँ पे जो सबसे बड़ा पार्ट है फीमर का, और जो टेंसर फैसी लाते जो है वो भी एक मसल है यहाँ पे है जो ग्लूटियस मीडियस के पास में होता है। आई एम रियली सॉरी कि इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता बिकॉज हिंदी में ये सब मसल्स का नाम मुझे पता नहीं है। तो ये जो टेंसर फैसिल आते हैं ये यहाँ पे इंसर्ट हुए और यहाँ से इलियोटेबल बैंड आया है, तो दोनों में कनेक्शन है, ठीक मस्कुलर टिश्यू। अगर टेंसर फैसिल लाके जो आपका टाइट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका हिप आगे की तरफ से झुकेगा, ओके व्हेन यू स्क्वैट यू विल हिप विल टिल्ट एंटीरियरली और पूरा पोजिशन में होगा तो नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। सब मान के चलिए आपका हिप ज़्यादा टिल्ट है तो व्हेन यू स्क्वैट यू विल आर्च योर बैक टू मच और बैक इंजरी हो सकता है। और साथ में टेंसर फैसिल आते हैं और इलियोटेबल बैंड जो है आपने सुना होगा इलियोटेबल बैंड सिंड्रोम, अगर ये मसल ज़्यादा टाइट है हिप फ्लेक्सर्स तो फ्लेक्स भी करते हैं हिप एब्डक्टर्स, तो क्या होगा ये जो नी है नी जोन स्टेबलाइज नहीं रहेगा और ये जो पैटेला है आपका साइड की तरफ आएगा एंड देयर विल बी पेन इन द नी जोन। सो इसका कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम लोग वेरी विद दिस टू सिंपल रेजिस्टेंस बैंड्स विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। LD is bend को आप bend on the leg ना, put the knee या bend, yes, ankle पर bend ना वहाँ पे, okay come this side let the viewers see, come this side, okay stand straight, तो आपको क्या करना है, hip को abduct करना है, wait, abduct, abduction करो, yes, abduction करो और ग्लूटियस मीडियस में एंटीरियर फाइबर्स भी है और पोस्टीरियर फाइबर्स भी है। एंटीरियर फाइबर्स का काम ज़्यादा क्या करना है, हिप फ्लेक्शन में काम आता है और एब्डक्शन में पोस्टीरियर फाइबर्स का ज़्यादा काम आता है। करो लेट द व्यूअर सी, यस दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज। और एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यू कैन लाई डाउन, आप इसको लाइंग पोजिशन में भी कर सकते हैं, लाई डाउन कीप योर बॉडी साइड वाइज स्ट्रेट, ओके very good, good, okay good, stand up, or these are two basic exercises जो मैंने आपको बताया and one last exercise which I will show you, again lie down on your back, bend your knee, now spread your knee. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए एंड एब्डक्ट, यस। तो ये सब जो एक्सरसाइजेस है सारे के सारे ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और टेंसर फैसिल लाते को टारगेट करता है। एंड वन मोर एक्सरसाइज द लास्ट वन, स्टैंड अप, यू कैन पुट एनी रेजिस्टेंस बैंड, यू कैन ओपन द, आप कोई भी रेजिस्टेंस में आप ले सकते हैं, एंकल बैंड ले सकते हैं, आप हिप फ्लेक्शन ट्राई करो, हिप फ्लेक्शन। और ये सब आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा और अपना जो हिप फ्लेक्सर्स है अगले वीडियो में इनके स्ट्रेचिंग के बारे में बताऊंगा कैसे लाइक फ्लेक्सिबल करके रखना है। और फिलहाल मैंने आपको लाइक यू नो ये बताया कि कैसे हिप एब्डक्टर्स को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आपका स्क्वाट इंप्रूव कर सके। तो आपने देखा दोस्तों कि लाइक यू नो खाली स्क्वाट करने से स्क्वाट इंप्रूव नहीं होगा,
और आपने ये सुना होगा कि स्क्वाट को इम्प्रूव करने के लिए स्क्वाट करना पड़ेगा. यस आई एग्री, स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स बोलते हैं उसको. बट बिफोर दैट आपको प्रिपेयर भी करना पड़ता है स्क्वाट करने से पहले. सो यही है कि लाइक यू नो आफ्टर वार्म अप हिप फ्लेक्सर का स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं. दिस आर सम ऑफ द बेसिक स्ट्रेचिंग्स. और आउटर थाई का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. और साथ में इसका जो एसेसरी जो एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उसको पहले कीजिए, ग्लूट एक्टिवेशन कीजिए. और एक बात मैं बताना चाहूँगा, द लास्ट एक्सरसाइज व्हिच आई वुड लाइक टू शो यू इज टू वेयर दिस बैंड, थोड़ा सा थिक बैंड वेयर दिस. ग्लूट एक्टिवेशन करके स्क्वाट करने में ज़्यादा फायदा है. आपने देखा होगा मैक्सिमम एथलीट्स डेज टू वेयर द बैंड लाइक दिस ना स्क्वाट. अगर आप ऐसे स्क्वाट करेंगे तो आपके ब्रेन को ये मैसेज जाएगा बार बार कि यू हैव टू ब्रिंग योर नी आउटवर्ड्स वाइल स्क्वाटिंग. इससे भी आपका स्क्वाट मतलब इम्प्रूव होगा. और साथ में आप ग्लूट एक्टिवेशन कर सकते हैं एंड योर स्क्वाट विल बी प्रॉपर और अच्छी तरह आप कर सकते हैं विदाउट इंजरी. सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. फिर से आपको लाइक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यू कैन लाइक यू नो लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं. मैं यूट्यूब चैनल का नाम ब्यूमोनी सिंगर के नाम से ही है एंड मेरा फेसबुक पेज है विद माई नेम ओनली. एंड आप यूनिवर्सल फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी को भी लाइक कर सकते हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. एंड आज के लिए बस इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद मोर टिप्स कैसे आपको एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ाना है सेफली एंड इफेक्टिवली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.